भारत माता की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित भाई शाह, कार्यकारी अध्यक्ष नड्डा जी, श्रीमान राजनाथ जी, गडकरी जी और सभी प्यारे भाई और बहनों, मैं सबसे पहले दिवाली का आरंभ होने से पूर्व ही महाराष्ट्र और हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे साथियों के प्रति जो विश्वास जताया है, जो आशीर्वाद दिए हैं, इसके लिए मैं उनका अंतःकरण से अभिनंदन करता हूं, उनका साधुवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र इकाई और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा इकाई, वहां के पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, उन्होंने भी जनता का विश्वास जीतने में अथक प्रयास किया, लोगों के आशीर्वाद प्राप्त किए, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। महाराष्ट्र में और हरियाणा में मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र जी का भी पहला अनुभव, मनोहर लाल जी का भी पहला अनुभव, ये दोनों लोग कभी किसी सरकार में मंत्री भी नहीं थे। महाराष्ट्र में हमें गत चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, हरियाणा में हमें गत चुनाव में सिर्फ 2 सीटों का बहुमत मिला था, उसके बावजूद भी सबको साथ लेकर के दोनों मुख्यमंत्रियों ने, उनकी टीम ने 5 वर्ष तक महाराष्ट्र की और हरियाणा की जो सेवा की, ईमानदारी के साथ राज्य के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए अविरत कार्य करते रहे, और उसका परिणाम है कि आज दोबारा जनता ने उन पर विश्वास जताया है। उनके गत 5 वर्ष के कार्यकाल को मैं, जनता ने जो आशीर्वाद दिए हैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं, और मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में आने वाले 5 वर्ष महाराष्ट्र के और हरियाणा के विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने वाला कार्यकाल रहेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। जो राजनीतिक पंडित आज इस चुनाव नतीजों का एनालिसिस कर रहे हैं, हरियाणा अपने आप में
एक अभूतपूर्व विजय है। अभूतपूर्व इसलिए है कि आम तौर पर इन दिनों एक सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके दोबारा जीतने की घटनाएं बहुत कम है। एक सरकार आती है, 5 साल रहती है, फिर दूसरी आती है, फिर 5 साल रहती है। ऐसे वातावरण में दोबारा सबसे बड़े दल के रूप में विश्वास और आशीर्वाद प्राप्त करके आना, ये बहुत बड़ी बात है। पिछली बार विधानसभा के चुनाव में 33% वोट मिले थे, 5 वर्ष में थोड़ा बहुत भी तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट फैक्टर होता है, लेकिन उसके बजाय 33% से बढ़कर के 36% वोट प्राप्त किए, 3% ज्यादा वोट प्राप्त करना, ये भी जन सामान्य का उनके काम पर मोहर लगाने का सीधा सीधा गौरव प्राप्त होता है। जो लोग हरियाणा की राजनीति जानते हैं उनको पता है, मैंने वर्षों तक वहां काम किया है संगठन का। किसी भी दल के साथ हमें समझौता अगर करना होता था सीट शेयरिंग का चुनाव के लिए, तो ज्यादातर उन दलों के टर्म्स एंड कंडीशन पर कभी 5 सीटें लड़ने को मिलती थी, कभी 10 सीटें लड़ने को मिलती थी, और वो भी वो जो कहे उस सीट पर लड़ना पड़ता था, और कभी 2 आंख पार कर जाए हम जीतने में, यानी 10 या 10 से ज्यादा सीट आ जाए, तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ करता था। और ये मैं पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, 2014 के पहले तक हमारी ये स्थिति थी। वैसी स्थिति में से जिस प्रकार से हमारी नई टीम को 5 साल और वो भी सिर्फ 2 लोगों का हमारे पास बहुमत था, सिर्फ 2 का, और आज की राजनीति में हम जानते हैं कि ऐसे समय निर्णय कितने टाइट रोप चलना पड़ता है, कोई भी निर्णय करने में कितनी दिक्कत आती है। इन सबको साथ लेकर के ऐसे वातावरण में भी, और मुख्यमंत्री नए, बाकी टीम भी नहीं, उसके बावजूद भी 5 वर्ष काम करके फिर से आना हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी को जितनी बधाई दे उतनी कम है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी हमेशा महाराष्ट्र में जूनियर पार्टनर रही, शिवसेना के साथ हम रहते थे, कभी सरकार बनी तो भी शिवसेना के नेतृत्व में बनी, हमारे लोगों को थोड़ा बहुत काम करने का अनुभव मिला। लेकिन महाराष्ट्र की एक विशेषता देखिए, गत 50 वर्ष में, आपको भी ये सुनकर के आश्चर्य होगा, 50 वर्ष में एक भी मुख्यमंत्री पूरे 5 साल वहां महाराष्ट्र की सेवा नहीं कर पाया। पांच साल लगातार मुख्यमंत्री, 50 साल के बाद पहली बार देवेंद्र फडणवीस जी को सेवा। हमारी टीम नई थी,
अनुभव बहुत सामान्य प्रकार का था, लेकिन उसके बावजूद भी 5 साल तक हमने सेवा करने के हमारे मकसद से जरा भी डिगे बिना आपकी सेवा की है। अब आपने दोबारा हमें मौका दिया है तो मैं महाराष्ट्र की और हरियाणा की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी सेवा करने में हम पिछले 5 साल से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। त्याग और तपस्या में कोई कमी नहीं रखेंगे। आपने जो विश्वास रखा है उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए हम भरसक कोशिश करेंगे और केंद्र में सरकार में होने के कारण मैंने अनुभव किया है कि भारत सरकार की योजनाओं को लागू करने में भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वे अधिक उत्साह के साथ मेहनत करती हैं, जनता तक बात ले जाती है। जहां अन्य दलों की सरकारें आई हैं उनका ज्यादा समय योजनाओं के नाम बदलने में जाता है। मोदी की एक योजना हो तो उनको लगता है कि अपने राज्य में नाम बदल दें वरना क्रेडिट मोदी को चली जाएगी, उसी उधेड़बुन में वो 1-2 साल तो यूं ही खराब कर देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां जहां है वहां सीमलेस कोई रुकावट के बिना केंद्र सरकार की योजनाएं भी उतनी त्वरित गति से जन सामान्य के लाभ के लिए आगे बढ़ाई जाती हैं और उसके कारण ऐसी सरकारों से जनता को डबल फायदा मिलता है। राज्य की योजनाएं भी और केंद्र की योजनाएं दोनों तेज गति से जन सामान्य के कल्याण के लिए आगे बढ़ती हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जनता का ये बढ़ता हुआ प्यार हमारी जिम्मेवारियों को भी बढ़ाता है और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर पल हर डगल जनता के विश्वास पर खड़े उतरने के लिए हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे। इस विश्वास को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। मैं फिर एक बार देवेंद्र जी और मनोहर जी की टीम को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और देशवासियों को भी इस तोहफे के लिए प्रणाम करता हूं और दिवाली की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और दीपावली का पर्व आपके परिवार में भी नया प्रकाश लेकर के आए, नई ऊर्जा लेकर के आए, नया उमंग लेकर के आए और आपका भारत के विकास की यात्रा में समर्थ योगदान जुड़ता चले, ये भी शुभकामना देते हुए मैं फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की इस टीम को भी, अमित भाई और नड्डा जी, उस पूरी टीम ने जो इस चुनाव अभियान को चलाया उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।